सलमान खान एक्शन लो, बिग बॉस आप भी एक्शन लो, क्योंकि ये दोगलापन मत करो। अगर यही किसी लड़की के साथ होता तो आप तो अब तक बवाल मचा चुके होते, क्योंकि सुंबल के लिए तो ऐसा ही किया जा रहा था कि बच्ची है उसकी इमेज खराब हो जाएगी, उसको लेकर लव एंगल्स बन रहे हैं। लेकिन अब लड़के पर बात आई तो आप शांत हो गए हैं। यही सारी बातें शिव के फैंडम ने इस वक्त बवाल मचा दिया है और यही बातें कही जा रही हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस वक्त शिव ठाकरे के फैंडम ने बवाल मचा दिया है। जी हाँ, और ये बवाल रास्ते पर भी आ सकता है, क्योंकि आपको याद होगा शिव को सपोर्ट करने के लिए कई फैंस कुछ वक्त पहले, 1-1.5 हफ्ते पहले आई थिंक, या रास्ते पे उतर आए थे और बाइक्स पे वो लोग शिव के पोस्टर लेकर उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। आपला मराठी मानुस को वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया पर हर तरफ उन्होंने ऑलरेडी बिग बॉस को भी वॉर्न करना शुरू कर दिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कल के एपिसोड में सौंदर्य को लेकर शिव पर उंगलियां उठाई गई, जहां सौंदर्य ने कहा कि शिव का टच मुझे खराब नहीं लगता, वो कुछ ऐसा गलत नहीं करते या वो गलत तरीके से टच नहीं करते, इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन बात आपकी सोच की होती है, आप किस जगह से पले बड़े हो, किस तरीके से पले बड़े हो, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। ऐसे में शिव ने इस बात को सुना और अनसुना कर दिया, लेकिन फैंस इस बात को अनसुना करना नहीं चाह रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से अर्चना ने एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा कि शिव कैसे तुझे खींच रहा था, कैसे तुझे हाथ लगा रहा था, तू ऐसा क्यों करती है, तू वैसा क्यों करती है, वो बहुत ही ज़्यादा डाउन मार्केट बातें थी और बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बातें थी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ गलत है। यही चीज़ घर के अंदर कई सारे लोगों ने कही और गौतम ने भी हालांकि ये बात कही, और घर में किसी ने भी कभी ये नहीं कहा कि शिव का टच खराब है, जो कि अर्चना ने कहा, जिसके बाद बवाल इसीलिए मच रहा है। फैंस कहते हैं आई डोंट केयर अबाउट द एपिसोड, आई जस्ट वॉन्ट द चैनल बिग बॉस कलर्स एंड मॉल सलमान खान टू टेक दिस इशू वेयर अर्चना ट्राइड टू कैरेक्टर असैसिनेट शिव ठाकरे। येस बिग बॉस कलर्स, यू विल हैव टू ब्रिंग दिस ऑन वीकेंड कवार, बिकॉज इफ अ मैन डू द सेम थिंग यू आर जस्ट यू विल जस्ट बर्स्ट ऑन हिम, बट वाई वुमेन डोंट ब्लेम फॉर दैट, वुमेन आर नॉट ब्लेम्ड फॉर दैट। शी नीड्स बैशिंग आफ्टर दैट, शी नेवर डू दिस अगेन, शेम ऑन यू अर्चना। सो शेम ऑन यू अर्चना का हैशटैग जो है वो सोशल मीडिया पर कॉन्स्टेंटली वायरल हो रहा है और फैंस भड़क रहे हैं अर्चना की इस हरकत पर, कि आप एक समझदार लड़की होकर आप नेता बनना चाहती हैं, लेकिन आप इस तरह की सोच आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर रही हैं, तो आपसे बड़ा फील्ड नेता कोई नहीं होगा अगर आप इस सोच को आगे प्रमोट कर रही हैं। सो आपकी इस बारे में क्या है राय, बताइएगा जरूर।